आज है सूरज निकला आशा की प्रेम की किरणें छा गई। आज है सूरज निकला आशा की प्रेम की किरणें छा गई। प्रिय अभिभावकगण, माय डियर टीचर्स, स्टूडेंट्स और प्यारे दोस्तों, आज सारी दुनिया एक प्रकार से अंधकार में भटक रहा है, बिना आशा का, प्रेम का। और हर किसी का मन में यही सवाल आता है, कल क्या होगा? या जब बच्चों से या अभिभावकगण से मिलते हैं तो पूछते हैं, स्कूल कब खुलेगा? हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं है। ईशपुत्र ईसा मसीह का इस धरती पर जन्म लेने का पर्व यानी क्रिसमस हम मना रहे हैं 25 दिसंबर को। हम बाइबल में पढ़ते हैं, इसराइली जनता बहुत परेशान थे, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से। उन लोग एक मुक्तिदाता का इंतजार में थे। तभी प्रभु ईसा का जन्म हुआ एक साधारण परिवेश में, एक गौशाला में। और प्रभु ईसा मसीह का ही संदेश था, पृथ्वी पर सबको शांति मिले, हर मानव को शांति मिले। कोविड कोरोना महामारी के चलते हम सब विचलित थे, हम सब परेशान हैं और आगे हमें पता नहीं आज कल क्या होगा। फिर भी हम सबको आशा लेकर के, उम्मीद की किरणों को लेकर के आगे चलना होगा। कहा गया है, एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग, यानी हर एक निराशा के साथ भी उम्मीद की किरणें होती है। हमें उम्मीद रखना पड़ेगा आने वाले साल में, आने वाले दिनों में। आज की इस परिवेश में हम आप सबको प्रभु ईसा मसीह के उन्हीं शब्दों से, उन्हीं आशीर्वचनों से, जो संदेश का तप शांति का, उसी संदेश से आपको आश्वासन देना चाहता हूँ, आप सबको शांति मिले। हमें मालूम है कि आजकल सभी लोग थक गया है, ऑनलाइन क्लास से अभिभावकगण, अध्यापकगण और यहाँ तक बच्चे भी थक चुके हैं। हम एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे के आमने सामने नहीं आ पा रहे हैं। और हमें मालूम है बच्चे भी ये महसूस करते होंगे, पिंजरे में बंद हुए चिड़ियों के जैसे। हमें उम्मीद रखना पड़ेगा आगे वाले जीवन में। आई विश ऑल ऑफ यू ए वेरी हैप्पी क्रिसमस एंड ए हैप्पी न्यू ईयर 2021। जैसे मैंने कहा, एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग, हम लोगों को आशा रखना पड़ेगा। हर निराशमय जीवन में भी उम्मीद के किरणें होती हैं। हमारे लिए नया साल अच्छा हो, हमारे लिए ईश्वर हर प्रकार की आशीष और कृपा प्रदान करें। और मैं सबको हमारे पूरे धर्म प्रांत की ओर से, बिशप की ओर से, सभी पुरोहितों की ओर से, सबकी ओर से, हम आप सबको सब शुभकामनाएं देना चाहता हूँ क्रिसमस का और नया साल का। नया साल और आने वाले दिन हम सबके लिए उम्मीद की समय हो, हम सब एक दूसरे से मिले, हम सब साधन बन जाए शांति का, प्रेम का, आशा का और शांति का। क्योंकि प्रभु ईसा हम सबको, हम हर मानव को वही शांति का संदेश देते हैं और हमें बुलावा देते हैं कि हम सब साधन बन जाए। किस तरह के लिए हम साधन बन जाए? शांति का हम साधन बन जाए, प्रेम का हम एक साधन बन जाए, करुणा का हम एक दूसरे को समझ पाए, एक दूसरे से मिल पाए, एक दूसरे से प्रेम रखें और एक दूसरे को वही प्रेम को हम दे पाए। यही कृपा हम ईश्वर से मांगते हैं आज के इस दिन। हम आप सबको और एक बार विश यू ए वेरी वेरी हैप्पी क्रिसमस एंड ए वेरी वेरी ब्लेस्ड एंड प्रॉस्पेरस न्यू ईयर 2021। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू।
बेखबर है दुनिया वालों, आज यीशु जन्मा है। बेखबर है दुनिया वालों, आज यीशु जन्मा है। देने तुमको जीवन नया, मुक्ति दाता आया है। पाने आ जाओ लेटा हुआ वो चरनी में, तरस पाने आ जाओ लेटा हुआ वो चरनी में। बेतलहम की धरती पर दूर उसकी नगरी से, बेतलहम की धरती पर दूर उसकी नगरी से, ऊंचे नीचे मैदानों में उसने एक चरनी में, ऊंचे नीचे मैदानों में उसने एक चरनी में, यीशु राजा जन्मा है, यीशु राजा जन्मा है। बेखबर है दुनिया वालों, आज यीशु जन्मा है। गहरी नींद में जागो रे जागो लोगो, सोए गहरी नींद में जागो रे जागो लोगो, प्रेम का है राजा वो तो उसका प्रेम बांटो लोगो, प्रेम का है राजा वो तो उसका प्रेम बांटो लोगो। जागो पाओ दरस अभी, जागो पाओ दरस अभी। बेखबर है दुनिया वालों, आज यीशु जन्मा है। देखो कैसा चमके है एक तारा नभ पे वो, देखो कैसा चमके है एक तारा नभ पे वो, करता है इशारा जो देता है संदेशा वो, करता है इशारा जो देता है संदेशा वो। मुक्ति दाता को देखो, मुक्ति दाता को देखो। बेखबर है दुनिया वालों, आज यीशु जन्मा है। देने तुमको जीवन नया, मुक्ति दाता आया है। देने तुमको जीवन नया, मुक्ति दाता आया है। दरस पाने आ जाओ लेटा हुआ वो चरनी में, खबर है दुनिया वालों, आज यीशु।